न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। नजर डालते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट पर। आपने बाबा के ढाबे का नाम तो खूब सुना होगा, लेकिन अब पराठे वाली अम्मा के बारे में आपको बताते हैं। अम्मा पहले सब्जी बेचकर अपने परिवार का गुजारा करती थी, लेकिन अब एक समाज सेवी संगठन ने अम्मा को तो रोजगार दे दिया। उससे अम्मा कैसे बन गई पराठे वाली अम्मा, इस रिपोर्ट में देखिए। राष्ट्रीय स्वाभिमान दल के नेता दीपक शर्मा की मेहनत लाई रंग। हाथरस में चर्चित ठेले वाली अम्मा को दुकान खुलवा कर दिया गया प्रतिष्ठान। जिला अधिकारी ने अम्मा की दुकान का फीता काट कर किया उद्घाटन। वहीं अम्मा ने सीएम योगी आदित्यनाथ को दी बधाई। हाथरस में पिछले कुछ दिनों पहले एक 85 साल की वृद्ध अम्मा ठेले पर बथुआ बेचकर अपना व अपने परिवार का लालन पालन कर रही थी। तभी समाज सेवी राष्ट्रीय स्वाभिमान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक शर्मा ने अम्मा की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड की थी। वायरल वीडियो के बाद मुख्यमंत्री योगी के सलाहकार शलभमणि त्रिपाठी ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए जिला अधिकारी हाथरस प्रवीण कुमार लक्षकार को ट्वीट कर वृद्ध महिला की मदद के लिए कहा, जिस पर जिलाधिकारी ने तत्काल संज्ञान लेते हुए अम्मा की मदद करते हुए एक आवास, अनाज व वृद्धा पेंशन देने की संतुष्टि की थी। वहीं समाज सेवी दीपक शर्मा ने ठेले वाली अम्मा की सहायता करते हुए वृद्ध अम्मा को नया प्रतिष्ठान खुलवाया है। अम्मा का पराठे के नाम से एक दुकान मथुरा रोड स्थित ओडपुर जहारपीर मंदिर के निकट खुलवाई है। जहां तक प्रेरणा की बात है तो ये तो घर के संस्कार होते हैं, और समाज में ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग हैं जिनको वास्तव में मदद की जरूरत है, और समाज भरा पड़ा है ऐसे लोगों से जो वास्तव में मदद कर सकते हैं। बस इसके लिए एक इनिशिएटिव लेने की जरूरत है, थोड़ा सा पॉजिटिव सोच की जरूरत है। मैंने प्रयास किया, आज शहर के डीएम, एसडीएम और बाकी पदाधिकारी जो जनप्रतिनिधि भी हैं वो भी यहाँ पर आएंगे और अम्मा के पराठे और इसका उद्घाटन करेंगे। जैसा कि आपने देखा, डीएम साहब स्वयं गए हैं और बाकी पदाधिकारी भी आ रहे हैं, जनप्रतिनिधि भी आ रहे हैं, और यहाँ पर ये बड़ा एक प्रयास रहेगा कि सभी जो भी हाथरस के लोग हैं इनके पराठों का स्वाद चखें। अम्मा के पराठे की दुकान का जिलाधिकारी हाथरस प्रवीण कुमार लक्षकार ने फीता काट कर उद्घाटन किया है। वहीं जिलाधिकारी ने अम्मा को आश्वासन भी दिया है, अगर आपको और कोई मदद चाहिए हो तो हमें बताएं। सोशल मीडिया से शिकायत वायरल हुई थी और हमने जो अम्मा है उसके असंभव मदद का प्रयास किया था, और जो यहाँ के समाज सेवी लोग हैं उन्होंने भी इनका काफी सहयोग किया है, और उनके प्रयासों से आज ये हवा भी हुआ है और अम्मा को भी घर और इसकी सहायता दी है। अम्मा ने अपने नए प्रतिष्ठान को लेकर दीपक शर्मा को आशीर्वाद दिया है और धन्यवाद कहा है। वहीं अम्मा का पराठा के नाम से प्रतिष्ठान को लेकर अम्मा ने बताया कि मैं अब इस दुकान पर बथुए के पराठे व बथुए का रायता अचार बेचूंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। क्या करती पहले? यही बथुए बेचते थे। अब का खोल दो है? अब दुकान दीपक शर्मा जी ने। कौन से दीपक शर्मा जी ने खुलवाई है? हाँ। अच्छा, अब का बेचोगी? ना पराठे, बथुआ का रायता, बथुए के पराठे और अचार। अचार, अब बथुआ तो ना बेचोगी? भाग दौड़ करके रुपल्ली बंद करवा दो, रुपल्ली बंद करवा दो। अब क्या कहोगी दीपक शर्मा के लिए? इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।